यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी मंदी में फंस चुकी है, जबकि अमेरिका पर डिफॉल्टर बनने का खतरा बना हुआ है। इस बीच भारत में शेयर मार्केट में लगातार तेजी दिख रही है। इसकी बदौलत भारत एक बार फिर ग्लोबल शेयर मार्केट में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात पे। भारत एक बार फिर दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। शेयर मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी के बदौलत भारत ने फ्रांस को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। जनवरी में फ्रांस इस रैंकिंग में भारत से आगे निकल गया था, लेकिन भारतीय शेयर मार्केट्स में 28 मार्च से लगातार तेजी दिख रही है। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 10% की तेजी आई है। इसी तरह बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप में करीब 15% उछाल आया। अप्रैल के बाद मई में भी घरेलू शेयर मार्केट्स में तेजी रही। इस महीने विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई अब तक 37,316 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय इक्विटी मार्केट में कर चुके हैं। स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और स्टॉक के वाजिब वैल्यूएशन से ऐसा हुआ है। पिछले दो महीने में विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में करीब 6.3 अरब डॉलर की खरीदारी कर चुके हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश जर्मनी मंदी में फंस चुका है, जबकि अमेरिका पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह चीन अब पूरी महामारी के प्रकोप से नहीं उभरा है। ऐसे में भारतीय इकोनॉमी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।